हाँ तो बात कर लीजिए सबसे सस्ता 4G स्मार्टफोन बोल बोल के हमें बहुत चूना लगाया गया है। यह है जियो फोन नेक्स, जिसकी प्राइस 6500 रुपीस देखने को मिल जाती है। 2000 रुपीस बोल के हमें बेचा जा रहा है और मैंने ये फ़ोन को ओनली 3000 में ही परचेज़ किया है। तथा इस वीडियो में इसकी अनबॉक्सिंग और भाई रिव्यू देने वाला हूँ मैं, और कैसे मैंने इस 3000 की प्राइस पर परचेज़ किया ये भी मैं आपको बताऊँगा। और आपके मन में ख्याल जरूर आ रहा होगा कि भाई ये जियो का फ़ोन है तो क्या ओनली इसमें जियो का सिम ही चलेगा, एयरटेल, वीआई, बीएसएनएल, क्या ये सबका सिम चलेगा? इसके बारे में भी मैं आपको सारी इंफॉर्मेशन आज में इस वीडियो में देने वाला हूं। तो चलिए फिर आरंभ करते हैं। जब फर्स्ट ऑफ ऑल अनबॉक्सिंग के बारे में, तो जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे आपको टिपिकल सा जियो फोन नेक्स्ट का बॉक्स देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको जियो फोन नेक्स्ट की पिक दी गई है, यानी फोटो दी गई है, और नीचे क्रिएटेड विद गूगल देखने को मिल जाएगा। बैक पैनल में जाते हैं बॉक्स के, तो यहाँ पे स्पेसिफिकेशन मैसेज की गई है जो आप पॉज करके पढ़ सकते हो। हम चलते हैं बॉक्स के कॉन्टेंट के ऊपर। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट ऑफ ऑल मेन फोन देखने को मिल जाता है, उसके बाद में यहाँ पे यूजर मैनुअल गाइड देखने को मिल जाती है जो बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तिका है, पढ़ना चाहो तो पढ़ भी सकते हो। बात करें तो यहाँ पे आपको एक यूएसबी केबल देखने को मिल जाता है। यहाँ पे टाइप सी नहीं दिया गया, ऑनलाइन यूएसबी केबल ही दिया गया, तो आपको इसी बात है यूएसबी पोर्ट ही आपको जो है फोन में देखने को मिलने वाला है। यहाँ पे आपको 7.5 पोर्ट का एक चार्जर देखने को मिल जाता है। तो हम चलते हैं मेन फोन के ऊपर। तो यहाँ पे फोन से मैं फर्स्ट ऑफ ऑल पन्नी हटा देता हूँ, और जैसे कि आप देख रहे हो ये हमारे पास मेन फोन देखने को मिलता है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप फर्स्ट टाइम फोन परचेज कर दो तो यहाँ पे रिमूवेबल बैटरी दी गई है, यानी बैटरी अलग से रखी रहेगी बॉक्स में, तो आपको अलग से लगाना पड़ेगा, क्योंकि भाई मैंने ऑलरेडी ये फोन को यूज किया हुआ है, अलग से मैंने इसमें बैटरी लगा कि उसके बाद भाई मैंने बॉक्स में रखा था, तो आपको अलग से बैटरीज में लगानी पड़ेगी। और बात की जाए, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो फोन को हमने यहाँ पे ओपन कर लिया है। बात की जाए फर्स्ट ऑफ ऑल बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन के बारे में, तो जो पूरा फोन है वो आपको ब्लू कलर का देखने को मिल जाता है, और इसका एक ब्लैक कलर भी आता है, लेकिन ये ब्लू कलर का देखने को मिलता है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप ब्लैक कलर वाला ही परचेस कीजिएगा, ब्लैक कलर वाला इससे मुझे ज्यादा बेटर लग रहा था, ये मिला इसके लिए मैंने यही लिया है। बात की जाए तो जो पूरा फोन है ये आपको पॉलीकार्बोनेट यानी प्लास्टिक का देखने को मिल जाता है। बैक में यहाँ पे जियो का लोगो है, हाँ इससे भाई पता चलता है कि इसमें आपको कोई भी फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को नहीं मिलता है। टिपिकल सा यहाँ पे जो है कैमरा मॉड्यूल देखने को मिल जाएगा, साइड का फ्रेम भी प्लास्टिक का ही है। बात करें तो फ्रंट में भाई आपको बहुत बहुत बड़ा बड़ा बेजल देखने को मिल जाएगा, यानी प्राइस के आधार पे बिल्ड क्वालिटी ठीक ही है। बात की जाए डिस्प्ले के बारे में, तो इसमें आपको 5.45 इंच की एक HD प्लस का LCD पैनल देखने को मिल जाएगा, कूलिंग ग्लास 3 की प्रोटेक्शन भी देखने को मिल जाएगी। भाई देखिए ये जो डिस्प्ले ये 720p वाला है, लेकिन भाई जब मैंने यूट्यूब पर अपनी वीडियो प्ले की तो 1080p में पता नहीं कहाँ प्ले हो जा रहा था, कोई बग भी हो सकता है। और अच्छी बात है मैं 720p की जगह का जरा सीपी चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो डिस्प्ले ये 720p रेजोल्यूशन के साथ में आता है। और भाई देखिए बाहर जाते हो तो हाँ आपको जो ब्राइटनेस है वो कम जरूर देखने को मिलेगी, इसमें ज़्यादा कोई बढ़िया जो डिस्प्ले का यूज़ नहीं किया गया। बात कीजिए प्रोसेसर के बारे में, तो इसमें आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का 215 प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जो आई थिंक 2019 में लॉन्च हुआ था, जो 28 nm पे बेस्ड है। और भाई मैं आपको लिटरली बताना चाहता हूँ कि अगर आप फोन को ज़्यादा यूज़ करोगे तो बैटरी बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी। हालांकि इसमें आपको 3500 mAh की बैटरी देखने को मिलता है और 7.5 पोर्ट का चार्जर देखने को मिल जाता है, तो भाई बैटरी बहुत ज़्यादा खर्चा होगा, क्योंकि इसमें NM भाई 28 nm बेस्ड है ये प्रोसेसर, तो भाई इस हिसाब से आप समझ सकते हो। और बात कीजिए इसके OS के बारे में, तो देखिए OS भी इसका बहुत लंबा चौड़ा चल रहा था, इसमें आपको प्रगति OS देखने को मिलता है। तो देखिए प्रगति OS कैसा है, स्टॉक एंड्रॉइड और एंड्रॉइड गो एडिशन आपने सुने होगा, बस वही एंड्रॉइड गो को इसमें डाल दिया है, और जियो की कुछ कस्टमाइजेशन डालने को देखने को मिल जाएगा। जब मैंने इसे फर्स्ट टाइम ओपन किया था तो यहाँ पे देखिए मुझे ये जो फेसबुक लाइट ऐप होता है वो देखने को मिल गया था, इंस्टाग्राम देखने को मिल गया था, और दुनिया भर की जियो की ऐप्स देखने को मिल गई थी। तो देखिए मेरे को जो अच्छा लगा वो मैंने रखा, बाकी सब उड़ा दिया, फालतू के जितने भी ऐप्स थे आप देख रहे हो पूरा एकदम क्लीन फोन देखने को मिल जाता है। हाँ ये तो बात ठीक है, स्टॉक एंड्रॉइड वाली यहाँ पे फीलिंग देखने को मिल जाता है, बढ़िया है, UI के हिसाब से ठीक है, लेकिन भाई देखिए इसकी प्रोसेसिंग पावर मुझे बहुत ही कम लगी। अब अगर कोई भी ऐप आप ओपन करते हो तो भाई बहुत ही टाइम लेता है, भाई मेरे हिसाब से तो बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था। लेकिन भाई देखिए प्राइस के आधार पर 3000 के प्राइस में मैंने इसे परचेस किया है, और 6500 यानी 6600 के भाई प्राइस पे मैं आपको साफ मना कर देता हूँ। हाँ भाई वीडियो आप पूरी लास्ट तक देखिएगा, लेकिन 6500 की प्राइस भी आप नहीं लीजिएगा, और भाई 4500 की प्राइस भी बताया जा रहा तब पर भी नहीं लीजिएगा, 2000 प्राइस बताया जा रहा है तब पर भी नहीं लीजिएगा। हाँ 3000 की प्राइस में जिस टाइम में मैंने लिया उस पर आप ले सकते हो, 3000 की प्राइस में ठीक ठाक स्मार्टफोन है। बात करिए कैमराज के बारे में, तो इसमें आपको बैक में सिंगल कैमरा सेटअप 13 MP का देखने को मिल जाता है, और 8 MP का फ्रंट में कैमरा देखने को मिल जाता है। और भाई जब मैंने इसकी कैमरा यूज़ की, क्योंकि जो गूगल का ऐप आता है वो
देखने को मिल जा रहा है, जिसमें भाई दुनिया भर के फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, नाइट मोड देखने को मिल जाता है, गूगल का लेंस जो आता है वो इनबिल्ड इसमें देखने को मिल जाएगा, और भाई इसमें स्नैपचैट भी अंदर डाल दिया है। मतलब भाई क्या ही डालने की जरूरत थी, नहीं डालते थोड़ा फोन हल्का ही होता, लेकिन यहाँ पे स्नैपचैट का भी इंटीग्रेशन दिया गया है। 5 से 6 जो है आपको इफेक्ट्स देखने को मिल जाएंगे। और भाई देखिए, मैं इसकी बात करना चाहूँगा कि फोटो की क्वालिटी डिसेंट है, अपनी प्राइस के आधार पर डिसेंट है, बढ़िया है, डिलीटेडलेस आराम से आप धीरे धीरे कर पाओगे, कोई फोटो क्लिक करना हुआ बहुत अच्छी खासी एकदम बढ़िया वाली नहीं कर पाओगे, लेकिन काम चलाओ आप फोटो आराम से क्लिक कर पाओगे। आपको ओनली ऑन एक रैम वेरिएंट में देखने को मिल जाता है, 2 GB RAM 32 GB स्टोरेज के साथ में, और भाई इसमें आप माइक्रो SD कार्ड भी लगा पाओगे 512 GB के आसपास। और भाई देखिए, अब आपका एक डाउट जरूर होगा कि इसमें खाली जियो का सिम ही चलेगा, तो आपको बताना चाहता हूँ भाई देखिए, इसमें डुअल सिम का सपोर्ट आता है, जो फर्स्ट सिम होगा ओनली ऑन जियो सिम ही लगेगा, जियो सिम की कोई सिम वर्क नहीं करेगा, और सेकंड में आप Airtel और BSNL का सिम का यूज कर सकते हो। और मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप इसमें डेटा का यूज कर दो तो वो भी खाली जियो पे ही यूज होगा, दूसरा कोई सिम पे डेटा का यूज नहीं होगा। हाँ, वाईफाई आप आराम से यूज कर पाओगे, मैंने दूसरे फोन से वाईफाई कनेक्ट करके देखा, वाईफाई आराम से चल रहा था, हालांकि वो भी जियो का ही था तो आराम से वो चला, लेकिन वाईफाई आराम से चल जाएगा। ओवरऑल बात की जाए तो ये स्पेसिफिकेशन थी, ये सारे मेरे रिव्यूज थे। अब भाई देखिए, मैंने 3000 में कैसे परचेस किया, 3000 के प्राइस में कैसे परचेस किया, तो देखिए जितने भी जो रिलायंस में काम करते हैं, रिलायंस में वर्क करते हैं, तो एम्प्लॉय ऑफर आया हुआ, तो सारे एम्प्लॉयज को 3000 में ये फोन मिल रहा है। मेरा फ्रेंड वहाँ पे काम कर रहा था, तो भाई उसको ये 3000 में मिल गया, तो भाई 3000 में मैंने उसको बोल के उसने अपनी आईडी पे परचेस कर लिया, और मुझे ये फोन भाई 3000 में ही पड़ गया। चार के हिसाब से भाई ये फोन बढ़िया है, ठीक है, कोई अगर एंट्री कर रहा है एंड्रॉइड की दुनिया में, फर्स्ट उसका स्क्रीन टच फोन है, तो 3000 की प्राइस के आधार पर ठीक ठाक है, बढ़िया है। आप इसमें कोई एकदम हैवी काम नहीं कर सकते हो, छोटे मोटे काम करना हुआ, व्हाट्सएप चलाना हुआ, यूट्यूब पे वीडियो देखना हुआ, कॉलिंग करना हुआ, ये सब काम आराम से कर पाओगे। तो 3000 के हिसाब से ये फोन ठीक है, लेकिन भाई 4500-6500 उस हिसाब से एकदम बेकार है। आपको मैं बोलना चाहूंगा, आप ये फोन की तरफ देखो ही मत, 2-3 हजार और लगा दीजिए, 8-9 हजार में आपको इससे लाख गुना बढ़िया स्मार्टफोन देखने को मिल जाएगा। तो चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसको जो बेल आइकन है उसे भी दबाएं, एक्साइटिंग वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।